गुड आफ्टरनून एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पेज नंबर 29 आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माय ट्रबल डॉक्टर वेयर ही बिगन मैं वास्तव में नहीं बता सकता नहीं जानता हाउ टू डिस्क्राइब माय ट्रबल मैं अपनी परेशानी को कैसे बताऊं डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल फ्रेंडली स्माइल के साथ उस डॉक्टर ने कहा कोशिश भी मत करो यूरी हैज ऑलरेडी गिवन हैज मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस यूरी ने मुझे पूरी हिस्ट्री बता दी केस की ओह व्हाट डिड ही से अच्छा वह क्या कहता ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन ओनली दैट यू वांट मी ये तुम मुझसे चाहते हो टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है एंड से दैट यू मस्ट गो बैक टू योर स्कूल मतलब कि तुम अपने स्कूल नहीं जाना है ओ डियर अल्बर्ट्स फेस फेल अरे डियर अल्बर्ट का फेस जो है वो डाउन हो गया ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट व्हाई नॉट इज़न्ट इट ट्रू दैट ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट क्या वो ये बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए या ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट क्या उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई व्हाई नॉट इज़न्ट इट ट्रू दैट क्या ये सच नहीं है Yes, that's the trouble. यही परेशानी है. Now, you will say, there's nothing wrong with me. कुछ भी मेरे साथ wrong नहीं हुआ है. And you will tell me to go back to school. और तुम मुझे कहोगे कि मैं वापस स्कूल जाऊँ. Don't be too sure of that, said the doctor. डॉक्टर ने कहा इस बारे में कोई surety नहीं है. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state. About that school. मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ कि तुम नर्वस स्टेट में हो उस स्कूल के बारे में But I haven't told you anything about it, said Albert wide eye. बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अल्बर्ट ने बोला कि मुझे बट आई haven't told you anything about it, man. तो उसके बारे में तुम कुछ बताया ही नहीं How can you know that? ऐसे कैसे जानते हो Because you wouldn't have come to see me about this. If you hadn't been pretty close to a nervous breakdown, that's why. Nah. Because you wouldn't have to come to see me. क्योंकि तुम मुझसे मिलने नहीं आए about this. You hadn't been pretty close to a nervous breakdown. लेकिन तुम nervous breakdown के आसपास हो. That's why मैं ये जानता हूँ. Said the doctor briskly. If I certify that you have had a nervous breakdown. और डॉक्टर ने कहा कि इफ आई सर्टिफाई अगर मैं ये सर्टिफिकेट देता हूँ दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए फॉर अ व्हाइल व्हाट विल यू डू तब तुम क्या करोगे आई विल गो टू इटली सेड द अल्बर्ट अल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर जहां पर मेरे पेरेंट्स हैं एंड What will you do there? और तो फिर तुम जाके वहाँ करोगे क्या? I will try to get into an Italian college or institute. मैं Italian college में या institute में पढ़ूँगा. How can you without a diploma? अच्छा, diploma नहीं मिलेगा तो institute में कैसे, college में कैसे जाओगे? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work. मैं अपनी mathematics की teacher से कहूँगा कि मुझे मेरे work के बारे में कुछ बता दे. And perhaps that will be enough. Or शायद ये enough होगा. I have learned all the math they teach at school. मैंने सारी maths पढ़ ली है जो भी उन्होंने स्कूल में पढ़ाई है. And a bit more और उससे भी ज़्यादा. He added when Dr. Well looked doubtful. और उसने जब ये बात कही तो Dr. Well जो है वो थोड़े doubtful लगे. Well, it's up to you. He said. उसने कहा ये तुम पर depend करता है. ठीक है. I doubt. If it will come off. But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. But तुम यहाँ रहकर कुछ और ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते. How long would you like me to say you should stay away from school? तुम कितने समय पहले मुझे ये बात कह चुके हो कि मैं इस स्कूल में से अलग हट जाना चाहता हूँ या मैं stay away मतलब दूर रहना चाहता हूँ Would 6 months be all right? 6 months बिल्कुल सही होंगे.
दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये तुम्हारे लिए, इट्स नथिंग, कुछ नहीं, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हियर यू आर डॉक्टर, वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से डॉक्टर वेल ने उसको सर्टिफिकेट दिया और नर्वस ब्रेकडाउन का, और कहा बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, कितना, नथिंग इफ यू हैव नथिंग एनीथिंग टू स्पेयर इन व्हाट अगर यू रीड टू अ मील, कुछ भी नहीं, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर कुछ बचा हुआ हो, इनवाइट यूरी टू अ मील, यूरी जो है वो तुम्हें इनवाइट करेगी मील पर, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक, उसने कहा वो मेरी अच्छी फ्रेंड है यूरी डॉक्टर की, और शायद तुम्हारे लिए, आई थिंक, मैं ऐसे सोचता हूँ, डॉक्टर ने कहा। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास थोड़ा भी पैसा एक्स्ट्रा में नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सफर, लेकिन उसने बहाना किया कि वह यूरी को सफर पे ले जाएगा। Isn't it wonderful? क्या ये wonderful नहीं है? He said after showing यूरी the certificate, यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद उसने कहा Yes, it is fine. हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूरी agreed. यूरी इस बात से agree है। 6 months is a good period. 6 महीने एक अच्छा period होता है, बड़ा period होता है। This way you want actually to be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. Now, अब वो ये कहना चाहता है, if the worst comes to the worst, अगर बुरे से भी बुरा हुआ, you will be able to come back, तुम यहाँ वापस आओगे and carry on for your diploma. और फिर तुम्हारा डिप्लोमा जारी रहेगा। I will never go back to that place, Albert assured him. Albert ने कहा, मैं assure करता हूँ कि मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊँगा, उस प्लेस पर नहीं जाऊँगा। I am going to take this certificate to the head teacher. मैं ये सर्टिफिकेट हेडमास्टर के पास ले जा रहा हूँ, हेड टीचर के पास, टुमारो ले जाऊंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और फिर ये इसका अंत होगा। किसका अंत होगा? स्कूल जाने का। डोंट फॉरगेट टू गेट आवर फ्रेंड्स in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. Yuri ने remind कराया उसे, don't forget, भूलना मत, to get a reference लेना, किसे? In writing from your mathematics teachers first, अपने mathematics के teacher से सबसे पहले. Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. Mr. Coach ने willingly अपनी इच्छा से वो reference दे दिया जो वह चाहता था, Albert चाहता था। If I say I cannot teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. If I say I cannot teach you, अगर मैं कहता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता और ज़्यादा, and probably you will soon be able to teach me, और शायद तुम जल्दी ही मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे, will that be all right? क्या ये ठीक है? He asked. उसने पूछा। That saying too much, sir. कुछ ज्यादा ही कह दिया ये, अल्बर्ट ने कहा टीचर से ये बात सुनने के बाद कि कुछ समय बाद तुम ही कैपेबल हो जाओगे मुझे पढ़ाने के लिए, इस बात को उसने बोला That saying too much, सर आप ये कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। It's only the truth, but all right, I put it more seriously. उसने कहा देखो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये सच है, एकदम ठीक है। I will put it more seriously. और ये मैं बहुत ही सीरियस होकर लिख रहा हूँ। It was still a glowing reference, and Mr. Coach made a point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. It was still a glowing reference. ये एक चमकदार यानी सुहावना यानी बहुत important reference था Mr. Coach के द्वारा, made the point that Albert was ready immediately to enter. यानी अल्बर्ट जो था वो रेडी था इमीडिएटली कहाँ पर जाने के लिए, एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। क्योंकि देखिए उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी अल्बर्ट की, बाकी के सब्जेक्ट को छोड़कर, सो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स के टीचर ने एग्री कर लिया था कि ये इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है कि इसको अपनी क्लास का सब कुछ आता है
और अब ये इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, शायद ये मुझे ही पढ़ाने लग जाएगा। तो आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। उसने कहा मैं दुखी हूँ कि तुम मेरी क्लास छोड़कर जा रहे हो, ऑल्दो हालांकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरी क्लास में, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ आता है जो कुछ मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। ये उसके मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर कोच ने कहा। It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. Albert ने कहा देखो केवल एक ही क्लास ऐसी है जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। But how did you know I am leaving, sir? अच्छा सर बताओ आपको कैसे पता चला कि मैं छोड़ रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. नहीं तो तुम इस रेफरेंस के बारे में मुझसे कहते ही नहीं। I thought you had wonder, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ You had wonder, इसमें तुम्हें आश्चर्य है? There's nothing to wonder about, Einstein ने कहा। I knew you were going to leave before you knew yourself. यानी मैं जानता था कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओगे। ये बात जब तुम्हें पता चली उससे पहले ही मैं कह रहा था। Albert was puzzled. Albert बहुत puzzled था। What did the teacher mean? टीचर का कहने का क्या मतलब है? He soon found out. उसने जल्दी ही देखा। Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, उसका एक चांस था इंटरव्यू का हेड टीचर के साथ। He was summoned to the head's room. उसे हेड रूम में बुलाया गया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. उसने सोचा। Well, it saves me. यह मुझे बचा लेगा the trouble of having to wait an hour. एक घंटे के बाद वेट करने के बाद, एक दो घंटे, an hour or two outside, he thought, उसने सोचा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. He hardly bothered, वह बहुत कम bothered था इस बारे में, to wonder, उस आश्चर्यचकित था, वह Why he had been sent for? कि उसे क्यों बुला भेजा गया है? But vaguely supposed he was to be punished again. शायद उसे वापस से पनिशमेंट मिले for bad work के लिए या फिर laziness के लिए. Well, he had finished with punishments. अच्छा ही होगा कि सारे पनिशमेंट खत्म हो जाएंगे. I'm not going to punish you, the head teacher said. Head teacher ने कहा मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ तुम्हें. To Albert's surprise. Albert जो था वो सरप्राइज हो गया। Your bark is terrible and I am not prepared to have you here any longer. तुम बड़ा भयानक वर्क करते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। I am not prepared, मैं तैयार नहीं हूँ to you here any longer. और ज़्यादा तुम्हें समय यहाँ नहीं रख सकता, Einstein. I want you to leave the school now. मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। Leave school now, स्कूल छोड़कर चले जाओ, Albert repeated. Albert this. दोबारा अल्बर्ट ने इसी बात को रिपीट किया। That's what I said. यही तो मैं कहता हूँ। You mean, said Albert. अल्बर्ट ने कहा, आपका मतलब है that I am to be expelled? मुझे निकाला जा रहा है? Then, you can take it away that way if you wish, Einstein. उसने कहा, अगर ऐसा कहते हो तो ऐसा कर लो। तुम्हारे मन में अगर ये बात है तो ठीक है। The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go to your own accord and then the question won't arise. The simplest thing, बिल्कुल सही सी बात है, सिंपल सी बात है, will be for you to go to your own accord, अपने according, and then the question was wanted. और अब कोई question ही नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद ही accept कर लिया। But Albert said, what crime have I committed? मैंने क्या क्राइम कर दिया जो मुझे हाई स्कूल से निकाला जा रहा है? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach, for the other pupils to learn. उसने कहा तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो बड़ी ही हॉरिबल है, और जब टीचर क्लास में दूसरे शिष्यों को पढ़ा रही होती है, दूसरे बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो उनको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, क्योंकि तुम मना कर देते हो पढ़ने से। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम पूरी तरह से विद्रोही हो गए हो। And no serious work can be done while you are there. और जब तुम क्लास में होते हो जरा भी कोई seriously कोई work नहीं करते हो। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket.
एल्बर्ट ने महसूस किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बर्निंग जैसे जल रहा हो उनके पॉकेट में। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, मैं तो किसी और तरीके से जाने की सोच रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। और हेड ने कहा आइंस्टाइन, देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, हमने एग्रीमेंट बना लिया। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज स्कूल, ऑफ हिज स्कूल। तभी एल्बर्ट कुछ बताना चाह रहा था स्कूल के बारे में, उनके बारे में वह क्या सोचता है। देन ही स्टॉप हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोक लिया विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक ही शब्द किए कहे हुए। होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट, वे क्राउड से बाहर की तरफ आ गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, हेड ने चिल्ला कर कहा दरवाजा बंद करके जाना। एल्बर्ट इग्नोर हिम, एल्बर्ट ने उसकी बात को नहीं सुना। He walked straight on, वे सीधा चला गया out of the school, school के बाहर, where he had spent 5 miserable years, जहाँ पर उसने 5 कठिन समय व्यतीत किया 5 साल का, without turning his head to give it a last look, वापस मुड़ के नहीं देखा। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, और मैं उन व्यक्तियों के बारे में कभी नहीं सोचता जिनको एक बार गुड बाय कह देता है, अलविदा कह देता है। Indeed, Yuri was almost the only person in the village he felt like seeing before the left the town. केवल एक ही व्यक्ति से वो दोबारा मिलना चाहता था, वो थी यूरी, जो कि मुनिच में केवल एक ही व्यक्ति को पसंद करता था। He had come to hate almost as much as the school, और वो सबसे ज्यादा नफरत करता था वो अपने स्कूल से। Alyssa was back in Berlin, Alyssa वापस बर्लिन चली गई। And he had no other real friends, और उसका कोई भी दूसरा real friend नहीं था। Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. और उसने कहा good luck, said Yuri. Yuri ने कहा when he left, when चला गया वहाँ से, you are going to a wonderful country. तुम एक अच्छे से सुंदर से country में जा रहे हो। I think, I hope you will be happier there. तुम वहां पर खुश रहोगे। ओके, सो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।